दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके बीएड के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आरटीई एक्ट 2009 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में। इसका पूरा नाम अगर हम बात करें तो राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, यानी कि बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के नाम से ये एक्ट जाना जाता है। हमारा मोस्ट फोकस ये रहेगा कि बीएड में अक्सर आपसे ये सवाल पूछा जाता है, तो अगर बीएड में आपसे ये सवाल पूछा जाता है तो एज इट इज़ कैसे आपको लिखना है, कैसे बना के लिखना है, इस पे हमारा ध्यान ज़्यादा रहेगा। तो नोट्स प्रोवाइड करने के लिए आपको ये वीडियो यहाँ पे लिखे, साथ ही साथ हम इसको समझने भी की कोशिश करेंगे कि वास्तव में ये क्या है, कैसे कार्य करता है, इसके उद्देश्य क्या है, इसकी धाराएं क्या है, हर एक चीज़ यहाँ पे डिस्कस की जाएगी। तो आइए दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में, शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले हम जानते हैं कि शिक्षा का अधिकार क्या है, एक भारत के लोकतांत्रिक देश में शिक्षा का अधिकार को किस तरीके से माना गया। तो देखिए, यह जो अधिनियम है वो कब पारित किया गया था, ये 2009 में पारित किया गया था और 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था सभी राज्यों में कश्मीर को छोड़ के। लेकिन इसकी शुरुआत की हम बात करें, देखिए 2 दिसंबर 2022 को संविधान के 86वें संशोधन में एक नई धारा, जो नई अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिसके अनुसार शिक्षा दोस्तों एक बच्चे के मौलिक अधिकार के रूप में आ गया, यानी कि फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आ गई। यानी कि 2002 के बाद से एक बच्चे का ये अधिकार हो गया कि उस बच्चे को शिक्षा दी जाए, ये उसके मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आ जाता है। अच्छा, उसके बाद से दोस्तों 6 से 14 वर्ष की आयु, 2009 में एक कानून पारित हुआ कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए संसद द्वारा 4 अगस्त 2009 को आरटी एक्ट को पारित कर दिया गया। तो ये एक्ट कब पारित किया गया, ये एक्ट पारित किया गया अगस्त 2009 में। और लागू कब किया गया, लागू किया गया दोस्तों अप्रैल 2010 में सभी राज्यों में लागू किया गया। उस समय जम्मू कश्मीर में लागू नहीं किया गया था, फिलहाल ये चीज़ें हर भारत के प्रत्येक राज्य में लागू है। तो उस समय जम्मू कश्मीर को छोड़कर ये चीज़ें लागू की गई थी। ठीक है, अब आइए, ठीक वैसे जो चीज़ें आपने पढ़ी उसको ऐसे कॉलम में बना के लिखना है कि संसद के द्वारा पारित 9 अगस्त को हुआ था, आरटी पूरे देश में लागू 1 अप्रैल 2010 को हुआ था और किससे संबंधित है दोस्तों, तो स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग से ये संबंधित है कानून। और इसको हम क्या कहते हैं, आरटी के लाभार्थी कौन होंगे, 6 से 14 साल के देश के गरीब और अशिक्षित बच्चे इसके लाभार्थी होंगे। इसका उद्देश्य क्या रहा दोस्तों, देश के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा देने का अधिकार। ठीक है, तो मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देने का अधिकार देना है और उन्हें शिक्षित करना ही है, इसका क्या था, उद्देश्य था। ये दोस्तों हो गई आरटीई के बारे में। अब आइए जरा वन बाय वन इसके सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों कि आरटीई 2009 के क्या प्रमुख उद्देश्य थे। ठीक है, अब इसको जरा देखेंगे। तो आरटीई 2009 के अधिनियम के कुछ उद्देश्यों की अगर हम बात करें तो पहला हमारा उद्देश्य है कि अधिनियम देश के राज्यों के 6 से 14 वर्ष के विद्यार्थियों को फ्री एजुकेशन देने की बात करता है, कंपलसरी एजुकेशन देने की बात करता है। ठीक है, यह नियम 2009 आरटी एक्ट सभी 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन देने की बात करता है। स्थानीय स्कूल से लगभग 6 साल के सभी बच्चों का नामांकन जरूरी है, मतलब जो भी गांव में समाज में अगर आसपास कोई बच्चा 6 साल से है या उससे अधिक है तो उसको कहीं ना कहीं स्कूल में एडमिशन होना चाहिए, उसको एडमिशन देना ये क्या है, अनिवार्य है, नामांकन देना अनिवार्य है। अब इस अधिनियम में कहा गया कि 1 से 8 तक के बच्चों, क्लास 1 से 8 तक के इस क्लास को प्राइमरी की संज्ञा दी गई, इसको प्राइमरी क्लास कहा गया, इसको प्राइमरी शिक्षा प्राथमिक शिक्षा कही गई। दूसरा दोस्तों, प्राइमरी शिक्षा पूरी होने से पूर्व किसी भी विद्यार्थी को कक्षा से नहीं रोका जा सकता, मतलब अगर कोई बच्चा मान लीजिए 6 से 14 साल का है और 8वीं पास नहीं किया तो कोई भी जिम्मेदार, चाहे उसके माँ बाप हो चाहे स्कूल, उसको स्कूल जाने से नहीं रोक सकते हैं, उसको पढ़ने से नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि उनका पढ़ना 6 से 14 साल के बच्चों का पढ़ना, कच्चा 1 से 8 तक के बच्चों को पढ़ना, ये उनका फंडामेंटल राइट्स हो गया, कोई इसको वायलेशन नहीं कर सकता, कोई उन्हें नहीं रोक सकता। किसी भी विद्यार्थी को कक्षा 8 तक अनुत्तीर्ण नहीं किया जा सकता, बाद में इस पर कमेटी बनी, इस पर और भी चर्चाएं की गई थी कि क्या 8वीं तक हम बच्चे को फेल नहीं कर सकते, 8वीं तक फेल नहीं करेंगे तो फिर वो 9वीं में जाके फेल होगा, तो ठीक है आप उसको फेल मत करिए, आप उसके रिजल्ट को कम मार्क्स देके उसका दोबारा परीक्षा ले सकते हैं, 2 महीने की उसको और ट्रेनिंग के बाद, पढ़ाई के बाद उसको दोबारा परीक्षा ले सकते हैं, और अगर वो 2 महीने बाद पास होता है तो फिर आपको अगले क्लास में प्रमोट कर देंगे, तो फेल नहीं करना है, उससे क्या होता है बच्चे डीमोटिवेट होते हैं, आगे चल के पढ़ाई छोड़ सकते हैं। पहली से वह 8वीं तक की शिक्षा को पूर्ण करने वाले विद्यार्थी को प्रमाण पत्र भी मिलेगा, मतलब उन्हें मार्कशीट मिलेगी, उन्हें टीसी मिलेगी अगर वो किसी और स्कूल में जाना चाहें तो। 6 वर्ष से अधिक आयु होने के बाद भी नामांकन न होने पर बच्चे को उचित कक्षा में नामांकन दिया जाए। अगर मान लीजिए ये कहता है ये आरटी 1-2 कि किसी बच्चे की उम्र 6 साल हो गई और उसका कहीं एडमिशन नहीं हुआ, तो 6 साल के बाद भी अगर 10 साल का है, 8 साल का है, 11 साल का है, तो जिस
जिस एज में है वो और उसके लिए जो कक्षाएं उचित होती हैं आप उसमें एडमिशन दे सकते हैं, इसके लिए कोई आपको रोकता नहीं है। विद्यालय क्या करता है, इसका एडमिशन दे सकता है। अच्छा एक और चीज़, ये जो RTE एक्ट है वो केवल सरकारी स्कूलों पे नहीं, ये कानून है, इसे प्राइवेट स्कूलों पे भी लागू करना है, इसके प्राइवेट स्कूलों पे भी ये चीज़ें लागू होती हैं। अगला दोस्तों कि किसी भी राजकीय अध्यापक, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है कि किसी भी राजकीय अध्यापक किसी भी सरकारी टीचर को निजी शिक्षण संस्था एवं निजी अध्यापन कार्य की अनुमति नहीं होगी। मतलब कोई भी टीचर है तो वो अपना प्राइवेट में ट्यूशन नहीं खोल सकता, ठीक है। जो अगर कोई गवर्नमेंट टीचर हो तो प्राइवेट में ट्यूशन नहीं खोल सकता। नियमन देखिए, अगर कोई पढ़ाना चाहता है बिना फीस लिए तो वो पढ़ा सकता है, देखो शिक्षा से लिए रोका नहीं है, लेकिन कोई एक इंस्टीट्यूट खोल के प्रचार प्रसार करके उसमें काम करना, अपनी कंपनी बनाना, ये नहीं कर सकता। नियमानुसार शिक्षक स्कूल शिक्षक छात्र का अनुपात 1:30 रहेगा, अर्थात मतलब एक बच्चे पे 30 विद्यार्थी। आगे चल के इसके और बढ़ाया गया है, कक्षा 1 से 5 तक के लिए एक बच्चों पे 30 विद्यार्थी और कक्षा 6 से 8 के लिए एक बच्चों पे 35 विद्यार्थी होता है। अगर प्राथमिक विद्यालय में 200 से अधिक बच्चे हैं तो एक कक्षा पे आप 40 बच्चे रख सकते हैं, अधिकतम एक शिक्षक पे 40 बच्चे आप रख सकते हैं, ठीक है। आगे इसको यहाँ पे मेंशन किया गया, स्कूल में छात्र छात्राओं के लिए चित्र भिन्न भिन्न वॉशरूम टॉयलेट की सुविधाएँ होनी चाहिए, ये उनका अधिकार है कि विद्यालय में ये चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। जरूरी प्रमाण पत्र के कारण किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश से रोका नहीं जा सकता। अगर मान लीजिए कोई बच्चा TC नहीं देता या मार्कशीट नहीं देता तो आप उसे रोक नहीं सकते, उसे समय दे सकते हैं कि आप इतने समय के अंतर्गत 1 से 8 तक के बच्चे जमा कर सकते हैं। विद्यालय में नामांकन है तो किसी भी बच्चे का एडमिशन टेस्ट नहीं होगा, आप एंट्रेंस एग्जाम के बेस पर उसको फेल नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते। हाँ, आप उसकी क्षमता जानने के लिए उसके क्या कहते हैं प्री इवैल्यूएशन करने के लिए एग्जाम ले सकते हैं, टेस्ट लग सकते हैं, लेकिन इसके बेस पे आप उसे एडमिशन से नहीं रोक सकते, आपको एडमिशन उसको देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, शिक्षण के प्रावधान, अगला पॉइंट है, इसी तरह आपको बना के लिखना है। तो 1 से 5 कक्षा तक की 200 दिन की क्लास होनी चाहिए, अगर कोई सेशन है तो वो 200 दिन होगा और 800 घंटे, मतलब 1 से 5 तक की क्लासेस 800 घंटे पूरे वर्ष चलनी चाहिए, 200 दिन क्लासेस चलनी चाहिए। 6 से 8 तक के लिए 220 दिन यानी कि 1000 दिन क्लासेस चलनी चाहिए, ठीक है। कुछ अगला पॉइंट देखें कि प्राथमिक में एक दिन कितने घंटे का होगा, एक दिन का क्लासरूम, एक दिन की शिक्षण कार्य कितने घंटे का होगा, तो 4 घंटे का होगा 1 से 5 तक के लिए, और 6 से 8 तक के लिए 4.5 घंटे का होगा, ठीक है। 4 घंटे बच्चों को 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाना है, 4.5 घंटे 6 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाना है। शिक्षक विद्यार्थी अनुपात की बात करें तो धारा 45 के अंतर्गत इसका वर्णन है कि प्राइमरी क्लास में 30 छात्रों पर एक शिक्षक होगा, उच्च प्राथमिक कक्षा में 35 शिक्षकों पर एक अध्यापक होगा, और यदि प्राथमिक कक्षा में 200 से अधिक छात्र हैं तो विद्यार्थी शिक्षक अनुपात मतलब 40 विद्यार्थी पर एक शिक्षक आप रख सकते हैं, क्योंकि टीचर पढ़ा कैसे पाएंगे, कैसे सबको समझा पाएंगे, कॉपी चेक करना, कंट्रोल करना, चेक करना कि बच्चों को समझ में आया कि नहीं, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए अगर 1 से 5 तक में 30 विद्यार्थियों पर एक टीचर, मतलब एक क्लासरूम में 30 विद्यार्थी, और क्लास 6 से 8 के लिए एक टीचर पे 35 विद्यार्थी, और अगर 200 से ज़्यादा हैं बच्चे तो टीचर रखने में थोड़ी इश्यू होगी, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक शिक्षक पे 40 विद्यार्थी को आप रख सकते हैं। अच्छा एक और चीज़ है बच्चों, जैसे अक्सर हमें शिकायत होती है कि सरकारें भर्ती नहीं निकालती शिक्षक भर्ती, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है दोस्तों कि आखिर कभी कभी गवर्नमेंट क्यों नहीं भर्तियाँ निकालती। तो एक शिक्षक पे 30 विद्यार्थी रखना है, मान लीजिए अगर हम PRT की बात करें, प्राइमरी टीचर की बात करें, तो एक शिक्षक पे 30 विद्यार्थी रहना है। तो अगर आपके सरकारी स्कूलों में 30 विद्यार्थी के हिसाब से शिक्षक ऑलरेडी अवेलेबल हो तो वो फिर कैसे निकालेगा। और आज की समाज की एक प्रवृत्ति है कि हम सरकारी स्कूलों में बच्चों के एडमिशन नहीं कराते, प्राइवेट की तरफ कराते हैं। तो अगर सभी लोग सरकारी में एडमिशन कराएंगे बच्चों का, तो बच्चों की संख्याएं बढ़ेंगी और फिर उसके बाद शिक्षक की नियुक्ति की डिमांड होगी, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ है कि अभी तक मतलब मेरा अनुभव है कि जिन भी बच्चों का एडमिशन होता है ना सरकारी में 30 पर एक टीचर, तो बहुत सारे विद्यालयों में क्या किया जाता है कि बच्चों का बस नाम चल रहा होता है, वो बच्चे कहीं प्राइवेट में पढ़ते हैं, स्कूल नहीं आते, हाँ उनका एडमिशन उनका नाम चल रहा होता है। क्यों? क्योंकि अगर उनका नाम नहीं चलेगा तो फिर वहाँ के टीचर्स को कहीं दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो इसीलिए ये आपका पैमाना है कि कम से कम एक शिक्षक पे कम से कम 30 विद्यार्थी होने चाहिए। तो जैसे जैसे सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्याएं बढ़ेंगी वैसे वैसे टीचर्स के डिमांड भी बढ़ेंगे और मुझे लगता है कि वैसे वैसे भर्तियां भी आएंगी। तो देखिए कहीं ना कहीं तक हमें खुद प्रमोट करना चाहिए इस चीज़ को,
प्राइवेट एजुकेशन से हटा के बच्चों को सरकारी की तरफ शिफ्ट करना चाहिए, अगर सरकारी की टीचिंग और गुणवत्ता और क्वालिटी उसकी और बेहतर होती है तो। चलिए बाकी और पॉइंट देख लेते हैं। तो आपने देखा कि अगर क्या है, अगर स्कूल में 200 से अधिक स्टूडेंट हैं तब एक टीचर पे 440 स्टूडेंट हम रख सकते हैं, 40:1 को हम रख सकते हैं, ठीक है। अब आइए एक बात कर लेते हैं कि विद्यालय और स्कूल घर की दूरी कितनी होनी चाहिए, राइट। तो प्राइमरी स्कूल में ये सरकार की जिम्मेदारी है कि 1 से 5 तक के क्लास के लिए हर 1 किलोमीटर पे एक स्कूल हो। इसको हम नेबरहुड स्कूल कहते हैं, ठीक है, कि अगर किसी गांव में स्कूल नहीं है तो वहाँ पे स्कूल बनाई जाए, जिसे हम नेबरहुड स्कूल कहते हैं। सब प्राइमरी में भाई 6 से 8 तक के बच्चों के घर से 3 किलोमीटर के अंतर्गत एक स्कूल होना चाहिए, और 3 वर्षों के भीतर, जैसे ये 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हुआ, तो अगर वहाँ से अगर 3 महीने के अंतर्गत किसी कोई ऐसा गांव है या कोई ऐसा शहर या कस्बा है जहाँ पे प्राइमरी के लिए 1 से 5 किलोमीटर के अंतर्गत स्कूल नहीं है, और सब प्राइमरी के लिए 6 से 8 तक के लिए 3 किलोमीटर तक स्कूल नहीं है, तो 3 महीने के भीतर क्या करे सरकार, इसकी व्यवस्था करे, ये सरकार की जिम्मेदारी दी गई, ठीक है। साप्ताहिक घंटे की बात करें, एक टीचर को कितना घंटे पढ़ाना है, हर एक चीज़ यहाँ पे मेंशन है। तो एक टीचर को एक हफ्ते में कम से कम 45 घंटे पढ़ाना है, स्कूल में जाके बच्चों को पढ़ाना है, मतलब स्कूल के कार्य को, उसका कार्य अवधि जो होता है एक टीचर का, वो 45 घंटे का रहेगा एक हफ्ते में, ठीक है। दोस्तों यहाँ तक बात हो गई आपके RTE एक्ट की। देखिए BEd में अगर आपसे ये सवाल पूछता है तो आपको इतना लिखना है, अगर 8 नंबर में पूछता है तो इतना लिखेंगे, क्योंकि वो एग्जाम्स के पेपर की अपनी समय सीमा होती है, अपने पेजेस होते हैं। लेकिन अगर 15 नंबर में पूछता है तो आप चाहें तो इन चीज़ों को बढ़ा सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नहीं तो जानकारी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी और बहुत ही खास है। देखिए RTE 1-2009 में कुछ धाराएँ थी, कुछ यहाँ पे कुछ धाराएँ रखी गई थी, उसको हम समझते हैं। तो पहली धारा क्या कहती है, पहली धारा में संक्षिप्त इस अधिनियम का नाम रखा गया था, इसका विस्तार लागू होने की तारीख का उल्लेख किया गया था। दूसरी धारा में अधिनियम से जुड़े कुछ शब्दावली हैं, उनके अर्थ मिलेंगे। धारा तीन में साफ तौर पे कहा गया था कि प्रदेश के सभी 6 से 14 साल की उम्र के विद्यार्थियों को समीप विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक की शुरुआती शिक्षा मिलेगी, ठीक है, ये अधिनियम का तीसरा धारा कहता है। धारा 4 की बात करें तो धारा 4 में क्या कहता है कि आयु के अनुसार एडमिशन, खास ट्रेनिंग अथवा मदद प्रदान करना जिससे निर्धारित सीमा के अंतर्गत दूसरों बच्चों के समान में लाया जा सके, इस प्रकार 14 वर्ष के बाद भी प्राइमरी शिक्षा को पूर्ण करने का अधिकार मिल सके। अगर मान लीजिए किसी बच्चे का 14 साल का एज हो गया लेकिन अभी उसे प्राइमरी एजुकेशन नहीं मिल पाए तो वो ले सकता है, वो उसे पढ़ सकता है, ताकि वो क्या हो, दूसरों के समान आ सके, वो बच्चे जो पढ़े हैं उन सबके समान वो आ सके, बराबर उसे आ सके। धारा 5 क्या कहती है भाई, विद्यालय के स्थानांतरण का अधिकार, मतलब कोई भी विद्यार्थी प्रदेश के अंदर या प्रदेश के बाहर अगर स्थानांतरण चाहता है, प्रवेश चाहता है या कहीं दूसरा कोई चाहता है तो स्कूल उसे मना नहीं कर सकता। अगर बिहार का बच्चा UP में एडमिशन लेना चाहता है भाई ले सकता है, या UP का बच्चा एक जिले से दूसरे जिले में लेना चाहता है ले सकता है। और अगर इसके लिए TC स्कूल को जारी करना है, स्थानांतरण प्रमाण पत्र देन करने में ना ही देरी और ना ही इसको क्या कह सकता है, रोका जा सकता है, ना ही इनकार किया जा सकता है, क्योंकि अगर कोई ऐसा करता है भाई, ऐसा होने पर सेवा नियम के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। तो कोई भी विद्यालय आपको TC देने से नहीं रोक सकता, ठीक है, आपको TC पाना आपका अधिकार है, अगर कोई देता है तो उसके अंतर्गत क्या होगी, संवैधानिक कार्रवाई हो सकती है, ठीक है। चलिए धारा 5 की बात करें, धारा 5 में 6 महीने के बाद स्कूल होने की व्यवस्था करना, मतलब वही बात की गई कि अगर स्कूल नहीं है तो 6 महीने के अंतर्गत आप क्या करें, स्कूल की व्यवस्था कर दीजिए। धारा 7 में केंद्र सरकार के कुछ कार्यों के बारे में यहाँ पे विवरण मिला है, जैसे केंद्र सरकार सरकारों को पैसे उपलब्ध तय करेगी कि कितने पैसे राज्य सरकार को देना है इन चीज़ों का कार्य करने के लिए। केंद्र सरकार इस नियम के लागू होने के खर्च का आकलन भी करेगी, रिपोर्टिंग किसकी होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी। केंद्र सरकार सरकार से सलाह एवं सहमति पर अनुदान करेगी, वो आपस में डिस्कस करके आपस में सलाह लेके सहमति से क्या करेंगी, केंद्र सरकार राज्य सरकार को पैसे देगी। केंद्र की जिम्मेदारी है कि पाठ्यचर्या सिलेबस बनाना किसकी जिम्मेदारी है, केंद्र की। ट्रेनिंग हेतु मानक बनाना किसकी जिम्मेदारी है, केंद्र की। नवाचार अनुसंधान योजना नए रिसर्च या प्रैक्टिकल बनाना या तकनीकी मदद एवं संसाधन का प्रदान करना, ये सारी केंद्र की जिम्मेदारी होगी, ठीक है। खासतौर पे NCERT इन चीज़ों को देख रेख करता है। NCERT क्या करता है, स्कूली शिक्षा के लिए सिलेबस निर्धारित करता है और किताबें प्रोवाइड करता है। अब आइए धारा 8 की बात करें,
तो प्रदेश सरकार की, राज्य सरकार की क्या दायित्व है भाई कि 6 से 14 साल, यहाँ पे 14 साल के बच्चों को फ्री एवं अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा देना होगा। जरूरी एडमिशन, उनकी उपस्थिति, प्राइमरी शिक्षा पूर्ण करने के लिए बच्चों के नज़दीकी विद्यालय, और कोई पिछड़े बच्चों से भेदभाव ना करे जाति के आधार पर, ठीक है, और जो भी उनके लिए पढ़ने की सामग्री हो और उनके उम्र के अनुसार उनको एडमिशन मिल जाए, दूसरे विद्यार्थियों के बराबर स्तर है, ये सारी जिम्मेदारी किसको रखी गई, ये राज्य सरकार के अंतर्गत आई है कि राज्य सरकार क्या करे, इस चीज़ों को देखभाल करे। धारा 9 में क्षेत्रीय अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। धारा 10 में बताया गया कि सभी माता पिता अभिभावक का दायित्व होगा कि वो बच्चों को विद्यालय में प्रवेश करें और रेगुलर उनको क्या करें, विद्यालय लेके जाएं। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है कि बच्चों को स्कूल भेजें, और ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि अगर कोई माँ बाप स्कूल ही नहीं भेजेगा तो फिर टीचर क्या पढ़ाएगा और वो बच्चा क्या पढ़ेगा। कुछ और पॉइंट देखेंगे इस वीडियो को समाप्त करने से पहले। जैसे धारा 11 में क्या कहा गया कि धारा 11 में कहा गया कि 3 से 6 साल के विद्यार्थी को शुरुआती शिक्षा हेतु तैयार करना, इनकी देखभाल व्यवस्था करना, ये माता पिता की जिम्मेदारी हो गई, ठीक है। धारा 12 में कह रहा है कि धारा सरकार से स्थापित विद्यालय एडमिशन ले चुके विद्यार्थी को शिक्षा पूरी करवाएगी। सरकारी मदद पाने वाले और प्राइवेट स्कूल प्राइमरी में कुल 25% विद्यार्थियों को फ्री शिक्षा देंगे। निजी विद्यालय में शिक्षा हेतु 25% छात्रों के लिए सरकार राशि देगी। सभी स्कूल स्थानीय प्राथमिक मांगी जा रही है सूचना के लिए बाध्य। जैसे देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, EWS की बात की गई है भाई, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस की बात की जा रही है। अगर किसी बच्चा कोई गरीब है, उसके पास EWS का सर्टिफिकेट है, तो किसी भी प्राइवेट स्कूल में 25% विद्यार्थियों को फ्री एजुकेशन देना है, प्राइवेट स्कूलों को भी। मतलब अगर वो बच्चा प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ता है तो उसे फीस देने की जरूरत नहीं है। वो फीस कौन देगा, वो सरकार देगी। यहाँ पे साफ तौर पर निजी विद्यालयों में 25% छात्रों के लिए सरकार राशि देगी, अगर वो EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस के अंतर्गत आता है, अगर वो गरीबी रेखा के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो प्राइवेट स्कूलों में भी 25% विद्यार्थियों को फ्री एजुकेशन लेना पड़ेगा। तो अगर कोई इसका लाभ लेना चाहता है तो सर्टिफिकेट बनवा के अपने बच्चों के एडमिशन के साथ दे सकते हैं, तो वहाँ पे आपकी स्कूल माफ हो जाएगी। मैं कई ऐसे बच्चों को जानता हूँ जो कि अच्छे अच्छे स्कूल्स में पढ़ते हैं, सेंट थॉमस या फिर LPS DPS जैसे स्कूलों में पढ़ते हैं, और उनको फ्री एजुकेशन दिया जाता है। 1 से 8 तक के बच्चों के लिए कोई भी फीस नहीं ली जाती, अच्छे अच्छे प्राइवेट स्कूलों में भी। चलिए अगली बात कर लेते हैं, ये लास्ट पेजेस है, ये लास्ट पॉइंट है, उसके बाद हम वीडियो को समाप्त करेंगे। धारा 14 की बात करें तो इसमें कहता है कि बच्चों की उम्र को सरकार के प्रमाण पत्र से तय किया जाएगा। जन्मतिथि का प्रमाण पत्र न होने पर एडमिशन से मना नहीं करना है। मतलब जो भी सरकार का प्रमाण पत्र है उससे बच्चे का एज माना जाएगा। जैसे अभी आधार कार्ड हो गया, उससे पहले जन्म प्रमाण पत्र होता है। अगर किसी बच्चे का मान लीजिए जन्मतिथि का प्रमाण पत्र नहीं है, तो आप उसे एडमिशन से नहीं रोक सकते। पढ़ाइए, जो भी डॉक्यूमेंट्स देता है उस बिहाव पे, जैसे प्रीवियस ईयर के TC अगर मिल जाती है तो आप उस बिहाव पे क्या कर सकते हैं, उसका एडमिशन लेके उसकी जन्मतिथि लगा के आप उसको पढ़ाई से रोक नहीं सकते। अच्छा, सरकार की ओर से सत्र की शुरुआत में अथवा इसके बाद एडमिशन लेने वाले छात्रों की तय तरीके से पढ़ाई पूरी की जाएगी। ओके, किसी भी छात्र को फेल नहीं करने और न ही विद्यालय से निकालने का प्रावधान है। कोई भी 8 तक के बच्चों को फेल नहीं कर सकता, ना ही विद्यालय से निकाल सकता है। कम अंक से विद्यार्थी को फेल नहीं करना है, साथ ही रेगुलर बच्चा आकर अध्ययन तो करेगा ही। उस बच्चे को बुलाना है, उसको पढ़ाना है, फिर 2 महीने के बाद टेस्ट लेके फिर उसे देखना है कि कितना उसके अंदर प्रोग्रेस हुआ। आप उसको फेल नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, अगला पॉइंट देखते हैं। लास्ट पॉइंट है दोस्तों, धारा 17 में बच्चों को शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना नहीं देना है। पनिशमेंट आप नहीं दे सकते, ना ही आप उन्हें मार सकते हैं, ना ही उन्हें सजा दे सकते हैं, ना ही उन्हें मेंटली टॉर्चर कर सकते हैं, जैसे तुम कमज़ोर हो, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तुम तो ऐसे भी नहीं बोल सकते हैं। इसके लिए सरकार बहुत ज़्यादा सख्त है, ठीक है। मारपीट एवं अपमानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता, ऐसा करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। दोस्तों किसी बच्चे को 1 से 8 तक आप पनिशमेंट नहीं दे सकते, ना ही मार सकते हैं, ना ही उन्हें डांट सकते हैं, ठीक है। तो ये थी दोस्तों आपकी ओवरऑल RTE एक्ट 2009 की बातें, ठीक है। इसमें हमने क्या देखा, जैसे BEd में अगर आपके पूछता है तो पूरा पॉइंट लिखना तो पॉसिबल नहीं, लेकिन मुख्यतः आप ये जरूर लिख सकते हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्या है, ठीक है, ये किस लिए बनाया गया, ठीक है। आप उनके जो महत्वपूर्ण डेट्स हैं उसको यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, फिर उसका उद्देश्य क्या था, क्यों बनाया गया, आप उसको मेंशन कर सकते हैं। और उसके बाद आप शिक्षण का प्रावधान क्या है कि 1 से 5 तक को 200 दिन पढ़ाना है और 6 से 8 तक के बच्चों को 220 दिन पढ़ाना है। एक क्लासरूम में कितने घंटे की होगी, तो 1 से 5 तक की 4 घंटे की होगी और 6 से 8 4.5 घंटे की होगी, ठीक है। और शिक्षक अनुपात कितना है भाई, 1 शिक्षक पे 30 विद्यार्थी कक्षा 1 से 5 के लिए, उच्च प्राथमिक में 1 शिक्षक पे 35 विद्यार्थी,
और अगर 200 से ज़्यादा हो तो आप 40 विद्यार्थी रख सकते हैं। अगर उनके नेबरहुड स्कूल्स की बात करें तो एक अच्छा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए हर 1 किलोमीटर पर स्कूल होना चाहिए, जबकि 6 से 8 तक के बच्चों के लिए हर 3 किलोमीटर पर स्कूल होना चाहिए। अगर कोई स्कूल नहीं है तो वो राज्य सरकारें 3 महीने के अंतर्गत उनके समीप स्कूल की व्यवस्था करें, 3 वर्षों के अंतर्गत है यहाँ पे, 3 वर्षों के अंतर्गत उनके समीप स्कूल की व्यवस्था करें, ठीक है करें। और एक शिक्षक की साप्ताहिक घंटा कितना है, एक शिक्षक की साप्ताहिक घंटा है कि वो कम से कम 45 घंटे एक हफ्ते में कार्य करेगा स्कूल में जाकर, तो आप यहाँ तक आसानी से लिख सकते हैं। बाकी धाराएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि सीटेट और यूपीटेट में अक्सर इससे सवाल पूछा जाता है, तो आप वहाँ से मेंशन कर सकते हैं। बाकी बीएड के लिए आप इतना जरूर लिख देंगे, इतना आपके लिए काफ़ी होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। अगर टॉपिक समझ में आई हो तो आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट में दे सकते हैं, नहीं जुड़े हैं चैनल से तो सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ सकते हैं, और ऐसे ही जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होंगी आपके बीएड के सिलेबस से तो उसको हम वन बाई वन यहाँ पर डिस्कस करते रहेंगे, देखते रहेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, मुझे खुशी होगी आपकी प्रतिक्रियाएं कमेंट में पढ़ के, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, खूब ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।